दोस्तों अभी आपको बताऊंगा, कल से ही जब से ये खुलासा सामने आया कि भारत में लगी इस कोविड वैक्सीन से भी आ सकता है हार्ट अटैक। ना सिर्फ हमारे शरीर में हार्ट को बल्कि दो अंगों को खतरा है, ब्रेन और हार्ट अटैक यानी ब्रेन स्ट्रोक और हृदय घात दोनों का खतरा है उन सभी लोगों को जिन्होंने कोरोना की ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई। तो ये खुलासा जैसे ही सामने आया उसके बाद हड़कंप समझ गया। देश भर में कई जगहों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विरोध भी किया गया। लेकिन 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 क्या आपको वाकई में घबराना चाहिए, डरना चाहिए? कोरोना वैक्सीन पर एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद आखिर देश के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट का क्या कहना है, और आप इस कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कैसे बच सकते हैं? सरकार और देश के वैज्ञानिकों की रिसर्च में क्या नई बातें सामने आई है? और कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक के बाद अब एक और भयंकर खुलासा सामने क्या निकल कर आ रहा, आइए देखते हैं ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस मुद्दे से जुड़ी इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको एक अच्छी खुशखबरी बता दूं कि वैक्सीन पर बवाल मचने के बाद हमारे देश के एम्स के वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने एक चीज क्लियर कर दी है, इससे सब कुछ साफ हो गया। क्या नया निष्कर्ष सामने निकला ये तो अपन जानेंगे ही, लेकिन आज अभी ताजा एक घंटे पहले जो नया अपडेट आया उसमें अब ये मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। हमारे देश के एक्सपर्ट और डॉक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई कि कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच की जाए एक्सपर्ट द्वारा, और याचिका में कहा गया कि वैक्सीन लगाने से अगर किसी को गंभीर नुकसान हुआ तो सरकार उन्हें हर्जाना भी दे, मुआवजा भी दे। एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, आपको पता होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था और इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया था। लेकिन इस वैक्सीन को लेकर हड़कंप तब मच गया जब खुद कंपनी ने यह कबूल किया कोर्ट में, माना कि हाँ, इस एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का खतरा है। ब्रिटिश कंपनी ने कोर्ट में यह बात कबूल की और भारत में भी इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे हैं। कंपनी ने कोर्ट में कहा, मिलॉर्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड एस्ट्राजेनेका को यह कबूल है कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामले सामने आ सकते हैं। भारत में करोड़ों लोगों को ऑक्सफोर्ड की यह वैक्सीन दी गई और इसके बाद हड़कंप समझ गया। लेकिन 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 दोस्तों, आपको घबराने की, डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ अलग अलग एक्सपर्ट की क्या राय है इस पर। झारखंड रांची रिम्स के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कुमार कहते हैं कि किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट अधिकतम 6 महीने में दिख जाते हैं, लेकिन अब वैक्सीन को लगाए हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है तो अब किसी की जानलेवा रिस्क होने के चांसेस बहुत कम है। हालांकि अमेरिका के मेडिकल स्कूल साइंटिस्ट हार्वर्ड के डॉक्टर राम उपाध्याय का यह मानना है कि इस वैक्सीन के कारण हमारे शरीर में S1, S2 प्रोटीन और म्यूटेंट S प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है और इनसे ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेदार CCR5 फैक्टर एक्टिवेट होने की आशंका बढ़ जाती है। ये देख सकते हैं आप TTS होने पर क्या लक्षण दिखते हैं हमारे शरीर में, ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है। अब देखिए, हमारे देश में एम्स के वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन कोई भी लगवाई हो, डरने की जरूरत नहीं है। भले आपने कोविशील्ड लगाई या कोवैक्सीन लगाई, कोई भी लगाई, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि मौतों का सीधा ताल्लुक टीके से नहीं है। हालांकि एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का यह मानना है कि एस्ट्राजेनेका ने जो बात कही है वही बात 2 साल पहले मैंने कही थी। ये इन एक्सपर्ट का कहना है। उन्होंने कहा कि उस समय सलाह दी गई थी कि बूस्टर डोज फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है, लेकिन उस समय उनकी सलाह को किसी ने माना नहीं। लेकिन अब कोविशील्ड वैक्सीन पर जब सवाल उठने लगे हैं तो इन सवालों के बीच विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि कोरोना महामारी के बाद अचानक मौतें बढ़ने लगी हैं। लेकिन कोवैक्सीन या किसी भी तरह की कोरोना वैक्सीन हर मौत की वजह के लिए सीधी जिम्मेदार नहीं है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि देश में वैक्सीनेशन को हुए काफी लंबा समय गुजर गया है। यदि टीकाकरण के बाद कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स दिखते हैं तो अभी तक हमारे देश में बड़े स्तर पर इस तरह के केस सामने आ चुके होते हैं। अना तो पहली बात तो ये कि टाइम पीरियड काफी लॉन्ग हो चुका है, तो आप टेंशन ना ले। और अब एक्सपर्ट के टिप्स ये निकल कर आ रहे हैं कि 10 लाख में से सिर्फ एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन से जानलेवा खतरा है, बहुत ही कम रेशियो है न के बराबर। एक्सपर्ट बोले कि घबराएं नहीं, सप्ताह में 2 दिन एक बार खाना खाएं और प्रोटीन की जांच कराएं, मतलब सप्ताह में 1 दिन 2 दिन व्रत रहें आप। ऐसा 10 लाख में 13 लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं और जानलेवा खतरा सिर्फ एक व्यक्ति को होता है। ये रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमाटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन के साइड इफेक्ट का खतरे का रेशियो काफी कम है, 0.00013% ही मौत की आशंका है, इज इक्वल टू नोट। देखिए, दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजय राय का कहना है कि जापान या चीन जैसे देशों में नेचुरल वैक्सीनेशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां टीकों से ही प्रतिरोधी क्षमता विकसित की गई और वहां आज भी कोरोना का जोखिम कम नहीं हुआ है। अना तो दोस्तों, अब आप ये तो क्लियरली समझ गए होंगे कि टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जरूर ये याचिका लगाई गई है कि सरकार द्वारा इस वैक्सीन पर एक्सपर्ट से जांच कराई जाए और अगर वाकई में किसी को गंभीर नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजा भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में क्या बड़ी बातें कही गई है, 4 मुख्य पॉइंट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और बताना कि आपने कोरोना वैक्सीन की किस टाइप की वैक्सीन का टीका लगवाया, डोज लगवाया, कौन सी वैक्सीन का, मतलब कमेंट में बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।